नमस्कार मित्रों, एसटीडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसान पेंशन योजना के बारे में। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसान पेंशन योजना के लिए 15 अगस्त तक 2 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 15 अगस्त तक 2 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहिएगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो वीडियो के जस्ट नीचे आ रहे सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और पास ही आ रहे बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। और जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको किसान पेंशन योजना की संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है नई दिल्ली से कि देश भर में 3.5 लाख से ज़्यादा सेंटर्स के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे कॉमन सर्विस सेंटर ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को लेकर विस्तृत योजना बनाई है। CSC ने 15 अगस्त तक देश भर में 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों का 3,000 रुपये मासिक की पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य तय किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 अगस्त को ही किसान पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। ग्रामीण केंद्र संचालकों से 100 रजिस्ट्रेशन करने की अपील की गई है। PTI से बातचीत में CSC के CEO दिनेश त्यागी ने कहा है कि हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख से ज़्यादा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर VLE हैं। हमने इन सभी VLE से 15 अगस्त तक कम से कम 100 छोटे और सीमांत किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। त्यागी ने कहा है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भी किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सब्सक्राइबर्स के एनरोलमेंट के लिए विशेष रूप से CSC का गठन किया है। तो दोस्तों, किसान पेंशन योजना के लिए बेहद आसान है पंजीकरण प्रक्रिया। त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। जो भी योग्य किसान इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, वे आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर अपने नज़दीकी CSC पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। CSC का संचालन करने वाले VLE किसानों की सभी जानकारी लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकरण कराने वाले किसानों को सूचना मिल जाएगी और उनका PMKMY का पेंशन कार्ड यूनिक पेंशन अकाउंट नंबर के साथ जनरेट हो जाएगा। पूरे देश के किसानों को मिलेगा लाभ। त्यागी ने बताया कि 2019-20 के बजट में PMKMY की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत योग्य किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत पूरे देश के 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन मिलेगी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित पेंशन योजना है। 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का अंशदान देना होगा। इतना ही योगदान सरकार की ओर से किसान के पेंशन फंड में किया जाएगा। तो किसानों के लिए पेंशन की बड़ी खुशखबरी थी, मैंने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें ताकि आपके भाई
मित्र अन्य लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।